ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लदीन युतून मा आतौ के मोमिनीन की अल्लाह ताला ने निशानियां जिक्र की हैं नेक लोगों की, ईमान लाने वालों की। तो एक निशानी अल्लाह ताला ने उनकी ये बताई कि वल्लदीन युतून मा आतौ के वो मोमिन वो होते हैं कि जब वो देते हैं, खर्च करते हैं, मा आतौ जो भी देते हैं, वकुलूबुहुम वजिला, तो वो इस हाल में ये काम कर रहे होते हैं कि उनके दिल डर रहे होते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, इस बात से कि उन्होंने अपने रब की तरफ पलट के जाना है। ये जो आयत है, जब ये आयत नाजिल हुई तो हदीस में आता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या इस आयत में शराब पीने वालों का ज़िक्र है, जिना करने वालों का ज़िक्र है कि वो डर रहे होते हैं, उनके दिल डर रहे होते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इस आयत में उन लोगों का ज़िक्र है जो नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, जो रोज़े रखते हैं। यानी दो तरह की चीज़ें, एक वो आदमी अल्लाह से डर रहा होता है जो गुनाह करता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी सूद खा रहा है, शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, वो अल्लाह से डरता है कि क़यामत के दिन मेरा क्या बनेगा, मैंने झूठ बोला है, खुदा ना खास्ता जिना हुआ है, खुदा ना खास्ता शराब पी ली है, मेरा क़यामत के दिन क्या बनेगा। एक वो शख्स होता है, एक वो शख्स होता है जो नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद डरता है कि पता नहीं कबूल हुई या नहीं हुई। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? एक वो शख्स है जो शराब पीता है, जिना करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, और फिर उसको डर लगता है कि शराब पी है, जिना किया है, पता नहीं क्या बनेगा क़यामत के दिन मेरा। एक वो शख्स है जो सारे काम नेकी के कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, हज भी कर रहा है, लोगों के काम भी आ रहा है, और फिर भी उसके दिल में एक खौफ है, एक डर है कि पता नहीं मेरा क़यामत के दिन क्या बनेगा। मोमिन की निशानी यह है कि वो सारी नेकियां कर रहा हो, उसके बावजूद उसके दिल में ये खौफ और ये डर मौजूद हो कि मेरा क्या बनेगा। इस आयत का मतलब ये, हज़रत आयशा ने हुजूर से ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या इस आयत में शराब पीने वालों का जिक्र है कि उनके दिल डर रहे होते हैं, इस आयत में जिना करने वालों का जिक्र है कि उनके दिल डर रहे होते हैं? हुजूर ने फरमाया नहीं, इस आयत में उनका जिक्र है जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जो ज़कात देते हैं। इससे हमें क्या मालूम होता है कि मोमिन नेकी करने के बाद भी डर रहा होता है। तो जो मोमिन गुनाह करने के बाद भी ना डरे, वो मोमिन जिसकी ज़िंदगी गुनाहों में, ज़ाहिर है हम सब की ज़िंदगी, हम सबसे गुनाह होते हैं, सारे इंसान हैं, तो जो आदमी गुनाह करने के बाद भी अल्लाह से ना डरता, तो उसका क़यामत के दिन क्या बने? कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, कि बाज़ औक़ात इंसान का दिल सख्त हो जाता है, फही अकल हिजारा पत्थर की तरह, औ अशद कस्वा बाज़ औक़ात पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। और आगे अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत की कि इंसान का दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त कैसे होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, इसलिए कि बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जिससे चश्मा फूट पड़ता है। इन्न मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, बाज़ पत्थरों से चश्मे फूट पड़ते हैं। इसका मतलब ये पत्थर सख्त था लेकिन इतना सख्त नहीं था कि इससे चश्मा ना निकल सके, इसकी सख्ती ख़त्म हो गई, चश्मा निकल आया उससे।
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. یہ لینڈ سلائڈنگ تو آپ نے سنا ہوگا نا, پہاڑی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. اس کے اسباب دنیاوی بھی ہوتے ہیں, کچھ اس کے اسباب روحانی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ پہاڑ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کا دل, اس کی سختی اس حد تک پہنچتی ہے کہ اس سختی کی وجہ سے کبھی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. پتھر سے تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے, پتھر اپنی سختی کے باوجود اس سے چشمہ نکل آتا ہے, لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. اس کا مطلب کہ انسان کا دل بعض اوقات پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور اس کی نشانی ہے, اس کی نشانی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس پہ کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی, قرآن کی کوئی آیت اثر نہیں کرتی.